रावलपिंडी शहर के मसाइल हल ना हो सके, शहर की सड़कें खंडर बन चुकी। सीवरेज का निजाम खस्ताहाली का शिकार है। नई हुकूमत में रावलपिंडी को 2 विफाकी और 3 सूबाई वजीर मिले, लेकिन शहर की किस्मत ना बदल सकी। पंजाब का अहम शहर रावलपिंडी सियासत के बड़े खिलाड़ियों का मस्कन, अवाम की किस्मत फिर भी ना बदली। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निजाम, सेहत की सहूलियात का भी फुकदान है। नए पाकिस्तान में 2 विफाकी और 3 सूबाई वजीर रावलपिंडी के हिस्से में आए, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद शहर के मसाइल हल ना हो सके। डिफेंस रोड, अडियाला, खुरम कॉलोनी और धोक कश्मीरिया सर्विस रोड समेत शहर की दर्जनों सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। गली गली में कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, ना कोई इसमें कोई मैनेजमेंट हिस्सा ले रही है, ना कोई देख रही है। जो जिन लोगों ने अपने बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे, वो आज हमें नजर नहीं आते। 3 MLA और 2-3 MPA लगते हैं। इसमें शेख रशीद भी है इसी इलाके से, खान सरवर साहब भी हैं इसी इलाके से, और आमर महमूद कियानी भी है। कभी एक के पास जाएं तो वो कहता है उससे रابطہ करें, उसके पास जाएं तो कहते हैं दूसरे से रابطہ करें। सीवरेज के मसाइल ने नाक पे दम कर रखा है, तो शहर के बासी पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं, जबकि सर्दियां शुरू होने से ही गैस ताहाल गायब है। गैस जो है ये गर्मियों में भी इस इलाके में गैस नहीं आ रही, तो पानी का तो है नहीं। टैंकर 1500 रुपए का टैंकर मिल रहा है। सबसे बड़ा मेन मसला पानी का है। सीवरेज सिस्टम बिल्कुल चौक है। गैस ना सर्दियों में ना गर्मियों में। यहाँ पर कोई मेंबर वगैरह यहाँ कोई नाम नहीं है, बस इलेक्शन के दिनों में आता है, उसके अलावा कोई यहाँ आदमी। सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे बारिश अगर हो जाए, पानी जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है और चलने वालों के लिए बहुत मसला है। स्पेसिफिकली जहाँ नमाजी लोग यहाँ से गुजरते हैं पीने के लिए, तो फिल्टर वाला पानी जो ये हमारे लगाया हुआ है, बड़ा बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, वो भी गंदा पानी है, उसमें से भी गंद आता है, लोग भर रहे हैं। दावों के बावजूद शहर का यूरोलॉजी अस्पताल अब तक मुकम्मल हो सका, ना ही चिल्ड्रन एंड वेमेन अस्पताल की तकमील हुई। लई एक्सप्रेस वे को रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल का हल करार दिया गया, लेकिन मनसूबा शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका।